गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मुँ नीतू साहू असिस्टेंट टीचर लंबोदर गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंडुकेला। आपण मानंकु वर्चुअल क्लास रे वर्चुअल स्टूडियो सुंदरगढ़ स्वागत करुछि। पिला माने आज आम तुमर भौतिक विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिबाकु जाउछि, जोटा तुमर आगामी जो बोर्ड परीक्षा हेबो सेथिरे जो तुमर क्वेश्चन पैटर्न एवर्स चेंज हो जाइछि से क्वेश्चन पैटर्न को नहीं आधारित अच्छी। तो पिलामाने आम आलोचना को आगे नापी आम जीवा स्मार्ट बोर्ड आड़ को। मैंने आमर टॉपिक रो जो ना अच्छे जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो पिलामाने आम आम प्रतिदिन दैनंदिन जीवन रे अनेक एमती प्रतिक्रियार परिवर्तन गुड़ को देखी था जोटा कि आमको आश्चर्य लगे कि एमती परिवर्तन गुड़ाक हूँ तो हूँ कहीं जमीती कि तुमर प्रतिदिन तुम देखी थो जे भात रांधला बेले माँ मैंने चाउल को कमी फुटे था भात परिवर्तन हो जाए ना ठीक से पर देख कि दिन आगु जो जगह पड़िया थी किसी दिन पर जगह गोटे घर या कि सका गोटे गछटे देखी थो सार कटा होकर जगह खाली है तापरे जल को जदि तुम्हें देख रेफ्रिजरेटर रखिबो किसी समय पर बरफरे परिवर्तन हो जाए तो एमती बहुत गुड़े परिवर्तन आम आम दैनंदिन जीवन में देखी था परिवर्तन गुड़िक केतेक परिवर्तन अच्छी जोटा कि जो थे कि पूरा नुआ नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नुआ संरचना विशिष्ट अणु संरचना विशिष्ट पदार्थ सृष्टि हुए आता प्रत्यावर्ती नुहे पूर्वावस्था को फेरी पारे ना किंतु आउ केतेक परिवर्तन अच्छी जो थे कौन से नुआ अणु संरचना विशिष्ट पदार्थ सृष्टि हुए ना आता पूर्वावस्था को फेरी पारे मैंने प्रत्यावर्ती अटे तो एमती आम परिवर्तन जितकी आम देखु आम दुई भाग में विभक्त करोटे है रासायनिक परिवर्तन आ गोटे है भौतिक परिवर्तन। तो ये चित्र रे तुम्हें देखु आम काठ जालिले किंबा कौन सी भी जिनस जालिले पेपर जालिले जहाँ भी तो से जलवा द्वारा कौन हो गोटे नुआ पदार्थ टे सृष्टि होती कौन आम पाउस जो पाउस मिलला काठ जालिले कि कागज जालिले जो पाउस सृष्टि है से पाउस रू कम से जिन फेरी पाइबा कि ना ठीक से तुम्हें फल मूल कि पनीपरिया जहाँ भी आनीथ किसी दिन पर देख से पचवा को आरंभ हो जाए तो पुणी पूर्वावस्था को फेरे ना कहीं नुआ गोटे पदार्थ टे जगह सृष्टि हो जाए लुहारे कलंकी लगवा तापर तुम खाद्य हजम होगा यह सब हूँ गोटे गोटे रासायनिक परिवर्तन जो थे कि गोटे नुआ अणु संरचना विशिष्ट एक पदार्थ टी सृष्टि होता है किंतु भौतिक परिवर्तन जमती कि तुम मेल्टिंग ऑफ आइस है मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने बरफ तरल तुम आइसक्रीम देख कि समय खाला तरली जाए तुम पेपर गुड़ाक छोट छोट खंड काटिदा है तुम जल बाष्प होगा है काठ गुड़ी को काटा एगुड़ाक हूँ भौतिक परिवर्तन एथिरे कौन सी नुआ पदार्थ सृष्टि हुए ना जमती कि गोटे एग्जांपल ना आम जल जल संकेत कौन H2O है कि रेफ्रिजरेटर रखिद पाल्ट जाऊँगी कौन बरफरे बरफर भी संकेत H2O है तो अणु संरचन किसी पर ना से जगह केवल अवस्था पर जमी अवस्था पर किंबा सेप साइज रे परिवर्तन होता भौतिक परिवर्तन किंतु रासायनिक परिवर्तन रे कौन हुए ना एक नुआ पदार्थ सृष्टि होता है से रासायनिक परिवर्तन जदि ताकु आमे कहु रासायनिक प्रतिक्रिया हला बोली थी। तो रासायनिक प्रतिक्रिया कहाँ को कहिबा ना रासायनिक परिवर्तन हेले पदार्थर आणविक संरचन परिवर्तन हो जाए आते आमे कहु रासायनिक प्रतिक्रिया हला। तो रासायनिक प्रतिक्रिया जो होउछि रासायनिक प्रतिक्रिया को आम क्षुद्र रूप से प्रकाश करने प्रक्रिया को कह जाए रासायनिक समीकरण मैंने गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया टेला बड़ रासायनिक प्रतिक्रिया को आम जदि लेखा जावा हेल्ले आमर समय भी लगे बहुत मानते बड़ भी हो से आम कौन कर एक क्षुद्र प्रणाली अवलम्बन करवा जहाँ को आम रासायनिक समीकरण कहू। तो रासायनिक प्रतिक्रिया को संक्षेप तथ्यपूर्ण ओ व्यवहार योग्य करने जो प्रक्रिया अवलंबन करा जाए जमती कि तुम संकेत और प्रतीक द्वारा आम प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया को तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया जो मौलिक किंबा जौगिक मान भाग नौकर मौलिकर
थिले प्रतीक जौगिक थिले तंकर संकेत द्वारा आमे रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाई परबा आउ से दर्शाइबा प्रक्रिया बा प्रणाली को कह जाय रासायनिक समीकरण ला त रासायनिक प्रतिक्रिया पिला माने तुमे पढ़ी सारी छ तुम विद्यालय रे निहातीय पाठटा सरि जाइथिबो पढ़ा तो सेति पई तुमे जानिथिबो जे रासायनिक प्रतिक्रिया केते प्रकार अछि संश्लेषण प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया एवं जारण विजारण प्रतिक्रिया ला हेले पिला माने ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण पाठति तुमे पढ़ी छ स्कूल रे सेथिरो तमरा 4 मार्क रो दुईटी क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो तो सेई 4 मार्क विशिष्ट को प्रश्न गुडी को तुम एग्जाम पई इंपोर्टेंट अछि तुडी को डिस्क डिस्कशन करबा तो प्रथम क्वेश्चन होची रासायनिक समीकरण कहाकू कहंती एवं रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली आलोचना करो हला तो पिला माने रासायनिक प्रतिक्रिया को जदि आमे वाक्य रे प्रकाश न करिकिरी जदि आमे ताकू शब्द रे प्रकाश करिबा ताकू टिके क्षुद्र कर देबा फॉर एग्जांपल तुमर गुटे जनका ना अछि स्मृति श्री हला तो आमे ताकू कोन करबा स्मृति श्री बारंबार बारंबार ताकू न कहिकिरी आमे ताकू छोट नारे राखू ना स्मृति बोलिके डाकिले भी तो ता ना से स्मृति श्री रो कुही आमे कहिबा तो जदि आमे रासायनिक प्रतिक्रिया को एते बड़ भाव रे प्रकाश न करिकिरी ताकू आमे शब्द द्वारा प्रकाश कर देबा सेटा छोट हो जिवो क्षुद्र हो जिवो संक्षिप्त होकरी तथ्यपूर्ण हेबो एवं आमर माने व्यवहार योग्य हेबो आमे ताकू व्यवहार करिबारे सेटा सुविधा हेबो सेथिपई आमे कोन करू ना रासायनिक प्रतिक्रिया को वाक्य रे न लेखिकिरी आमे ताकू कोन करू ना क्षुद्र करि दो आ ताकू आमे शब्द रे प्रकाश करिथौ तो ताकू कहा जाय शब्द समीकरण जदि रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे वाक्य रे न लेखि आमे जदि शब्द रे प्रकाश करिबा तले ताकू कह जाय शब्द समीकरण जेंति गोटे एग्जांपल अछि मैग्नीशियम फीता को तुमे जदि जळैबो तले कोनोसी जिनस त जळिबा पई अम्लजान दरकार अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिबा से तर जते बेले मैग्नीशियम फीता को तुमे जाली देलो अम्लजान सहित से प्रतिक्रिया कला तले मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक कला रंगर पाउस सृष्टि हुए हला तो ताकू आमे शब्द रे केमती प्रकाश करिबा ना मैग्नीशियम आउ ऑक्सीजन दुईटा मिसि गला हेले मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक पदार्थ सृष्टि हला हला सेई प्रतिक्रिया सेते लंबा प्रतिक्रिया को आमे छोट कर देले आउ शब्द रे प्रकाश कर देले तो पिला माने ए जो शब्द समीकरण आमे देखिले से शब्द समीकरण को आमे आंकुति टिके क्षुद्र करि परिबा एमिति जदि आमे मौलिक ओ जौगिक मानंकर प्रतीक ओ संकेत द्वारा ताको प्रकाश करिबा ला तो मौलिक ओ जेंति तमर मैग्नीशियम मैग्नीशियम रो मौलिक लिखि देले एमजी ऑक्सीजन रो मौलिक लिखि देले O2 ला आउ मैग्नीशियम ऑक्साइड रो तमर संकेत लिखि देले MgO ला त सेटा कोन हला सेई प्रतिक्रिया टी आहुरी टिके क्षुद्र हेगला जहाँ आम व्यवहार करिबारे सुविधा हे तो Mg+O2 है MgO जोटा कि धला रंगर एक पाउस अटे एबे देखिबा रासायनिक समीकरण लेखा जाए किपरी पिला माने रासायनिक समीकरण लेखिला बेले आमे देखिबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया रे गौ माने भाग नउछंती हला तो जो माने रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नउछंती बा जो माने मिसुछंती से मानंकु कहा जाय प्रतिकारक आ जो नुआ उत्पाद उत्पन्न हे रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताकु कहा जाय उत्पाद हला तो रासायनिक प्रतिक्रिया लेखिबा समय रे आमे कोन करबा प्रतिकारक गुडी को सब बेले बाम पार्श्व रे लेखिबा हला प्रतिकारक को कोड़े लिखिबा बाम पार्श्व रे लिखिबा आउ डाहाण पार्श्व रे आमे उत्पाद गुडी को लिखिबा देखो एगुडा को हुची प्रतिकारक काहेकि ना एमाने रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नउछंती आउ एटा हुची उत्पाद काहेकि ना एटा प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न हला ना तो बाम पार्श्व रे आमे लिखिले प्रतिकारक डाहाण लिखिले उत्पाद ठीक से परी आउ गुडा नेक्स्ट पॉइंट हला प्रतिकारक ओ उत्पाद रो मझिरे तीर चिन्ह निहाति दिया जिवो ला प्रतिकारक ओ उत्पादर मझिरे कोन दिया जिवो तीर चिन्ह दिया जिवो जो तीर चिन्ह रो मुह कुआडे रहितबो सर्वदा बामरु डाहाण कु रहितबो बा प्रतिकारक आडु उत्पाद आडु कु थिबो
एकाधिक प्रतिकारक जदि भाग नौछंती जदि रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटिए रु अधिक उत्पाद सॉरी प्रतिकारक भाग नेले हेले तमे कोन करबो से प्रतिकारक मानंक मधिरे युक्त चिन्ह देबो ना ठीक से परि जदि एकाधिक उत्पाद मध्य उत्पन्न होथिबे हेले मध्य सेमानंक मधिरे युक्त चिन्ह दिया जाय। एई समीकरण रे गोटिए मात्र उत्पाद उत्पन्न हला किंतु गोटे गोटे प्रतिक्रिया रे कोन हुए एकाधिक उत्पाद उत्पन्न हुए तो से जगह रे तुमे युक्त चिन्ह देबो। तापरे असमतुल रासायनिक समीकरण को समतुल करिबो जदि समीकरण टी असमतुल अछि केमिति जानिबो असमतुल अछि जदि प्रतिक्रिया रो प्रतिकारक ओ उत्पाद रो वस्तुत्व समान नाही वस्तुत्व समान नाही तार अर्थात मानकर परमाणु जो मौलिक माने प्रतिक्रिया रे भाग नउछंती किंबा जो उत्पाद उत्पन्न होछि से उभय पटे जदि परमाणु मानकर संख्या समान नाही हेले वस्तुत्व भी समान हबो नाही तो तुम्हें कौन करिबो तुम्हारो वस्तुत्व संरक्षण नियम क्लास 9 रे पढ़ी एल लाबोसियो देथिले वस्तुत्व संरक्षण नियम जे वस्तुत्व रो सृष्टि नाही कि वस्तुत्व रो विनाश भी नाही। वस्तुत्व गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हेले रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वरु वस्तुत्व जेतिके थाए रासायनिक प्रतिक्रिया हला परे मध्य वस्तुत्व सेतिके रहे वस्तुत्व रे कोनोसी परिवर्तन होबे नाही रंग रे परिवर्तन हेबो तापमात्रा रे परिवर्तन हेबो गैस उत्सर्जन हेबो किंतु केबे भी वस्तुत्व परिवर्तन हेबो नाही माने रखबे एटा भी क्वेश्चन रे आसे हला तो वस्तुत्व उभय पटे जदि मौलिक रो माने परमाणु मानकर संख्या समान नाही माने वस्तुत्व समान नाही तो सेमिति समीकरण को कहा जाए असमतुल बा सूचकीय रासायनिक समीकरण तो से जदि तुम्हें देखिबो जे एटा सूचकीय रासायनिक समीकरण अछि से ताकु तुमको तुम्हें कोन करबो समतुल करबाकु पड़िबो तो सेति पई बहु पद्धति अवलंबन करा जाए परख निरीख पद्धति परखिब प्रथमे परखिब निरीखिब तापर समीकरण को समतुल करिब तो से पद्धतिर नाम हला परख निरीख पद्धति ना तापर पिला माने प्रतिकारक ओ उत्पादर भौतिक अवस्था को मध्य तुम्हें समीकरण रे सूचिए पारिब माने कर गोटिए प्रतिकारक किंबा उत्पाद गुडी को यदि कठिन अछि हेले तुम्हें एस लिखिब ब्रैकेट रे डाहाण पटे हला एस माने सॉलिड एस तरल बेले एल गैसियो माने हला जी एवं द्रवणीय यदि अछि जलीय द्रवण हेले एक्वायस बा एक्यू तुम्हें दर्शेई पारिब हला तो ए क्वेश्चन ता तुम्हें भलो भाबरे प्रिपेयर हेतिबो। नेक्स्ट हला 2 नंबर क्वेश्चन हला संश्लेषण और विघटन प्रतिक्रिया कौन प्रत्येक गोटे लेखाए उदाहरण समीकरण सह लेख एवं एही दुईटी प्रतिक्रिया किपरि परस्पर विपरीत एटा बुझाओ तो पिला माने प्रथमे आमे देखिबा संश्लेषण प्रतिक्रिया कहिले कौन तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होइथाय मात्र गोटे उत्पाद उत्पन्न हुए सही प्रतिक्रिया को कहंती संश्लेषण प्रतिक्रिया ना तो पिला माने एई के गुटे एग्जांपल देख संश्लेषण प्रतिक्रिया रे बहुत गुडे एग्जांपल तुम्हें तुम बही रे पाइबो मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन जिते बेले परस्पर सहित मिसे बा प्रतिक्रिया करे मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक धला रंगर पाउस सृष्टि करे हला तो एई जो प्रतिक्रिया अछि एथि देखो प्रतिकारक अछि दुईटी किंतु उत्पाद केतेटी अछि गोटिए अछि तो जे सेमिति जति की रासायनिक प्रतिक्रिया तुम्हें पाइबो जो थे प्रतिकारक एकाधिक थिबो किंतु उत्पाद गोटिए थिबो हेले सेई प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहंती एटा होथि मैग्नीशियम पिता जो आम विद्यालय रे अछि ताकु तुम्हें प्रथमे खसिब आ ता उपरे थिबा मैग्नीशियम ओके पिला माने पढ़ी थिबो जे मैग्नीशियम फीता ना गोटे मैग्नीशियम गोटे प्रतिक्रियाशील धातु अटे तो जेते बेले से वायु रे रहे तार कोन हुए ना ता उपरे ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया हेकरी गोटे मैग्नीशियम ऑक्साइड रो गोटे लेयर आस्तरण ते आगुरु रही थाए तो सेटा जदी तमे घसी कि न बाहर करिवो हेले कोन हबो सेटा जळिवो नाही कला हे जीवो किंतु जळिवो नाही तो सेति पई प्रथमे मैग्नीशियम फीता को कोन करा जाय बाली कागज बा सेंट पेपर रे घसी दिया जाय ता उपरे थिबा मैग्नीशियम ऑक्साइड रो आस्तरण को बाहर कर दिया जाय तापरे ताकु जळेबा पई व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट हला विघटन प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया कहा को कहंती ना जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटिए प्रतिकारक विघटित हुई एकाधिक उत्पाद उत्पन्न हुए ताकु कहंती विघटन प्रतिक्रिया त
ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଟାଟେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିବ ହେଲେ ସେ କହିଦେଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିବନି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ବାଡ଼େଇଲେ ମାନେ ବାଡ଼େଇଲ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲ ତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ତ ଠିକ ସେହିପରି ଏ ଯୋଉ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ହେଲା ପ୍ରତିକାରକ ଗୋଟେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହବ ଏକାଧିକ ମିଳିବ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ବିଘଟନର ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହାଲୁକା ସବୁଜ ହେଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ଦେଖ ଏଠି ନେଇକିରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିବା ହେଲେ ସେଟା ବିଘଟିତ ହେବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବ ବିଘଟିତ ହେଇକିରି ସେଥିରୁ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକିରି ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ହେଲା ଆଉ ଏସଓ ଟୁ ଆଉ ଏସଓ ଥ୍ରୀ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଟ୍ରାଇ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାହାରିବ ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦ କେତୋଟି ଅଛି ତିନୋଟି ଅଛି ଉତ୍ପାଦ କେତୋଟି ଅଛି ତିନୋଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିପରୀତ କାହିଁକି ଆମେ କହିଲେ ଯେମିତି ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଘଟନରେ କ'ଣ ହଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ବିଘଟିତ ହେଇକିରି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଅଟନ୍ତି ସଂଶ୍ଲେଷଣ ଓ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ସମୀକରଣ ସହ ବୁଝାଏ ଏଟା ବି ଚାର ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଗରୁ ଯେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହେବ ଆଉ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେଟା ତାପ ଶକ୍ତି ବି ହେଇପାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ବି ବିଘଟନ ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ବିଘଟନ ହୁଏ ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହେଲା ଏକ ଯୌଗିକ ତାପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନର ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିଲ ଯୋଉଟା ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ହେଲେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଲ କ'ଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହଉଛି ଏ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ବି କହନ୍ତି ଏମିତି ତାପୀୟ ବିଘଟନର ଆଉ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମର ବହିରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ପିଲାମାନେ ତମର ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଚିନା ମାଟି ପ୍ଲେଟରେ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବ ହେଲେ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯୋଉ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେଇଥିଲ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ସେଟା ଧୂସର ହେଇଗଲା ହେଲେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସେଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ହେଇଛି ହେଲା ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ନା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୁଏ ସେଥିରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକିରି ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ରହିଯାଏ କ'ଣ ସିଲଭର ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଧୂସର ହେଇଯାଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଏଟା ହଉଛି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ଏ ସେମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଟା ବି ଏଠି ବ୍ରୋମିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରୋମିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ପିଲାମାନେ ଜଳ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ତ ଆମେ ଜଳରୁ କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବା ଜଳକୁ ବିଘଟନ କରି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହେବ ଏଟା ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ତ ତମର ଏଇଟା ବହିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣଟି ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଦୁଇଟି ପାତ ନେବ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପାତ ହେଲା କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡ ଆଉ
ସେଇ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଗ୍ର ଦୁଇଟି ହୋଲ୍ କରିକି କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ଏଇଟା କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ତମେ ଲଗେଇ ଦେବ ହେଲା। ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରେ ତମେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଏକ 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏନୋଡ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ କୁହାଯିବ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର। ଆଉ ଏନୋଡ୍, ଏନୋଡ୍ଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବ, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍, ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟା କରିକିରି ଏମିତି ଓଲଟା କରିକିରି ଏଇ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଜଳ ତ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ତୁମର ମଗ୍ରେ, ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିବ ଆଗରୁ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଦେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ବୁଡ଼ ହେଇକିରି ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ହେଲା। ତ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଜଳର ପତନ ନିମ୍ନକୁ ଖସିବ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାକୁ ବି ତ ଜାଗା ଦରକାର ହେଲା, ନଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାର ଜଳଟା କଣ ହେବ, ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ସେମିତି ତମର କଣ ହେବ ନା, ଜଳର ପତନ ତଳକୁ ଖସିବ। ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଆଡେ ଏନୋଡ ଆଡକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ମାନେ ଗ୍ୟାସ ସଂଗୃହିତ ହେଇଛି କ୍ୟାଥୋଡ ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏନୋଡରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ, ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ କଲେ ଆମେ 2 ଭାଗ କଣ ପାଇଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଲେ, ଆଉ 1 ଭାଗ ପାଇଲେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ, ଉଦାହରଣ ସମୀକରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣର 2ଟି ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଏ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତି ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ଉଭୟ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ କହନ୍ତି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବା ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ। ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଯେଉଁଥିରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କପର ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ କପର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କପର ଅକ୍ସାଇଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ କପରରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇକିରି କପର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ଆଗରୁ ଏଚ୍ ଟୁରେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆଗରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗ ହେଲେ ଜାରଣ, ଆଉ ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଜାରଣ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏମିତି ଏଇଟା ବି ତମର ଗୋଟେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଜେଡେନୋ ଦେଖ, ଜେଡେନୋ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଜେଡେନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେ ହରେଇ ଦେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇ ଦେଲାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଇଗଲା ବିଜାରଣ। ଆଉ କାର୍ବନ କଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏମିତି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ତମ ବହିରୁ ବାହାର କରିବ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଏଟା ତ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ବିଜାରିତ ହଉଛି ଆଉ କୋଉଟା ଜାରିତ ହଉଛି ହେଲା। ତ CuO କପର ଅକ୍ସାଇଡ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇ ଦେଲା, ତେଣୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ କପରକୁ ବିଜାରିତ ହେଲା ହେଲା। କପର ଅକ୍ସାଇଡ ହରେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଯେହେତୁ, ତ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଏ ଜାଗାରେ ବିଜାରିତ ହଉଛି, ଆଉ ବିଜାରିତ ହେଇକିରି କଣ ହେଲା, କପର ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେହିପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କରିଛି ନା, ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ହେବ, ଜାରିତ ହେଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଛି ବୋଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ହେଲା,
जारी तो हला कौथिरे जारी तो हला H2O को जारी तो हला हला हाइड्रोजन टा जारी तो हे किरी H2O हला आ कॉपर ऑक्साइड भी जारी तो हे किरी कॉपर हला हला। नेक्स्ट हला दैनंदिन जीवन रे जारण रो प्रभाव पिला माने तमे पढिथिबो संख्यारण ओ सढा अवस्था ए दुईटा होछि हमर जारण रो दुईटी प्रभाव। संख्यारण कहिले कोण केते बेले एक धातु ताकू घेरी रही जलीय बाष्प ओ अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे हेले धातु कौन हुए ना धीरे धीरे क्षय होई बसे धातु उपरे गोटे आस्तरण टे बसी जाए आ धीरे धीरे धातु गुड़िक क्षय होगा लगे जहाँ को आम कहू संख्यारण है जमती कि लुहारे कलंकी लगी तो समस्त देखी थी ला लुहारे केमती कलंकी लगी जाए था ला सेटा जलीय बाष्प अम्ल सहित प्रतिक्रिया है लुहा उपरे एक फेरिक ऑक्साइड रो आस्तरण ते लोहित बादामी रंग रो आस्तरण ते तैयारी हो जाए जहाँ फल सेटा कलंकी लगे जो आम कहू आ धीरे धीरे लुहा टी क्षय हो बसे ठीक से हीपरी तुमर कॉपर है यहाँ हूँ तुम न्यूयॉर्क सहर अच्छी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कॉपर तैयारी किंतु एबे तार रंग केमती ग्रीन कलर हो सबुज रंग हो कहीं कॉपर जिते बेले संख्यारण जिते बेले हुए सबुज बर्णर आस्तरण बसी जाए है कॉपर कार्बोनेट रो एक आस्तरण बसी जाए सबुज रंगर से कॉपर गुड़ाक सबुज हो जाए ठीक से हीपरी तुमर एटा हूँ तुम सिल्वर रूपा रूपा पाउंजी पिंधु रूपा पाउंजी देख कि दिन पिंधला कला देखा जाए ना? तो रूपा गुड़िक कौन हो जाए संख्यारण हेले तार बर्ण कला हो जाए कला रंग में परिवर्तन हो जाए ना कला रंगर आस्तरणता बसी जाए तो यहाँ हूँ संख्यारण संख्यार एटा क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे जे संख्यारण जो कॉपर कि प्रकार कि रंगर आस्तरण तुम सिल्वर रे कि रंगर आस्तरण आसी था शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे तेणु ध्यान दे थो। नेक्स्ट है सढ़ा अवस्था पिला मैंने चर्बी जातीय तेल जातीय जो चिप्स कुरकुरे तुम खाऊ ला पैकेट खाद्य गुड़ाक प्राय छणा खाद्य से गुड़ाक जिते बहुत दिन रही जाए से तार रंग और स्वादर परिवर्तन आसीजाए गोटे रहणिया गंध आसे से गुड़ाक है कहीं जारित हो जाए है जारित होगा द्वारा तार रंग और स्वादर परिवर्तन हो जाए जहाँ को आम सढ़ा अवस्था बोली कही था जमी देख यहाँ तुम चिप्स देख बेस मानने गैस रखा जाए प्रतिजार करते है सढ़ा अवस्था जारण जो होता है तेणु जारण को जमी जारण न हो खाद्य गुड़ाक खाद्य गुड़िक बहुत दिन पर्यंत संरक्षित रही पार से जारण को विरोध करने प्रतिजारक मिशा जाए पैकेट खाद्य गुड़ाक प्रतिजारक मिशा जाए तो तुम चिप्स पैकेट जो अच्छे से चिप्स पैकेट नाइट्रोजन गैस प्रतिजारक रूपे व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट देखा आम तीन मार्क विशिष्ट प्रश्न है तीनोटी तुम तीन मार्क क्वेश्चन आसो एग्जाम तो प्रथम क्वेश्चन कौन विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कौन पार्थक्य अच्छी और यही दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण सह उदाहरण लेख पिला मैंने विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया विस्थापन कहले कौन देख विस्थापन प्रतिक्रिया कौन हुए ना एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक जौगिक रु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित करी नुआ एक जौगिक सृष्टि करी थाए ला जदि माने मौलिक जो आम नेले ला गोटे जौगिक मिसेले से मौलिकटा अधिक जदि प्रतिक्रियाशील अच्छी से कम प्रतिक्रियाशील धातु जो जौगिक विस्थापित करी एक नुआ जौगिक गठन करिबो ताकु कहा जाए विस्थापन प्रतिक्रिया। द्वैत विस्थापन कहले कौन ना जो प्रतिक्रिया दुईटी प्रतिकारक मध्यरे आयन रो विनिमय हुए माने दुईटी जौगिक थिबो हला जौगिक माने गोटे युक्तात्मक आयन आ गोटे विजुक्तात्मक आयन को लेकर गठित होती देख एटा गोटे जौगिक अच्छी जेउटा रे सोडियम होची युक्तात्मक आयन आ सल्फेट होची विजुक्तात्मक आयन सेपरि बेरियम क्लोराइड रे बेरियम होची युक्तात्मक आयन आ क्लोराइड होची विजुक्तात्मक आयन तो एबे कौन हम जिते बेले दुईटा को आमे मिसेई देबा प्रतिक्रिया हम यार युक्तात्मक आयन यार विजुक्तात्मक आयन सहित तो मिसी गोटे नुआ जौगिक सृष्टि कर NaCl आमती युक्तात्मक आयन यार विजुक्तात्मक आयन सहित तो मिसी
बेरियम सल्फेट नामक एक यौगिक सृष्टि कर जगह कौन है आयन रिमय एक्सचेंज है आयन रहा तो यही प्रतिक्रिया को आम कौन कह द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कह पे विस्थापन प्रतिक्रिया हूँ धीर प्रतिक्रिया किसी समय लगे विस्थापन हाँपी कि द्वैत विस्थापन एक द्रुत प्रतिक्रिया अटे विस्थापन प्रतिक्रिया रंग में परिवर्तन हुए किंतु द्वैत विस्थापन एक अवक्षेप सृष्टि हुए एक कठिन पदार्थ तले बसी बस परीक्षा देखा तो विस्थापन प्रतिक्रिय गोटे उदाहरण आम ना पे देख एटा फेरम है लुहा फेरम को जिते कपर सल्फेट मिसे दबा कपर सल्फेट रंग नील अटे कपर सल्फेट रंग नील अटे से लुहा मिसेदे फेरम मिसेदे फेरम बा लुहा हूँ कपर ठार अधिक प्रतिक्रियाशील तो से कौन कर जेहेतु लुहाटा कपर ठार अधिक प्रतिक्रियाशील तेणु ये कौन करपर को बाहर करदेव कपर सल्फेट रु से जगार से निजे आसिक फेर सल्फेट नामक एक यौगिक सृष्टि करपर को से विस्थापित कर फेरम टा कपर ठार अधिक प्रतिक्रियाशील धातु अटे जमे ओल्टई दबा जदि फेर सल्फेट कपर मिसेवा कौन हम प्रतिक्रिया हम ना कहीं कपर टा कम प्रतिक्रियाशील अटे तेणु से फेरम को केवे भी यौगिक रु अलग विस्थापित करु जगह विस्थापन हूँ कहीं फेरम टा बेसी प्रतिक्रियाशील अटे देख तो कमती जानव प्रतिक्रिया है रंग में परिवर्तन हे जो नील रंगर कपर सल्फेट तुम्हें नहीं थे जिते बिल लुहा मिसेदेल फेरम मिसेदेल है हालुका सबुज रंग हो द्रवण टी हालुका सबुज रंग कहीं फेर सल्फेट या फेर सल्फेट रंग हालुका सबुज रंग आउ तुम जदि लुहा को बाहर कर देख से लुहारे भी मटिया तो ये देखिक तुम जापर जे ए जगह विस्थापन प्रतिक्रिया संगठित होती द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया देख पे आम कौन करवा गोटे टेस्ट ट्यूब्रे आम सोडियम सल्फेट द्रवण या आ गोटे टेस्ट ट्यूब्रे आम बेरियम क्लोराइड द्रवण या तुम सोडियम सल्फेट द्रवण आउ बेरियम क्लोराइड द्रवण प्रस्तुति उभय को मिसेदे सोडियम सल्फेट सल्फेट रो द्रवण प्रस्तुत कले बेरियम क्लोराइड द्रवण प्रस्तुत कले उभय को मिसेदे कौन है ना से दुधिया बर्ण हो गला पूरा धड़ा किसी समय जदि रखीदेव हेल्ले तले गोटे अवक्षेपटे बसी जबार तुम्हें लक्ष्य कर देख धड़ा ही गला दुधिया ही गला किसी समय पर कौन हम ना धड़ा अवक्षेप तले बसीज तो एटा धड़ा अवक्षेपटा कौन बेरियम सल्फेट ए बेरियम सल्फेट जो तैयारी है ना से धड़ा रंगर अवक्षेप ना जोटा तले बसीज नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप उत्पादी और ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कौन प्रत्येक गोटे उदाहरण दे बुझाओ ताप उत्पादी कहले कौन जमी नाम रु तुम जानु जे ताप उत्पन्न होप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया कह जाए यहाँ ताप शोषी कहीं ताप शोषित होप व्यवहार होगा तो ताप शोषी प्रतिक्रिया कह जाए तो एमती बहुत गुड़े एग्जांपल अच्छी तुम्हें प्रथम तार डेफिनेशन टा लिख जे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप निर्गत हुए
कहते ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया तापशोषी जो रासायनिक प्रतिक्रिय तापशक्ति शोषित हुए प्रतिक्रिया हेबापाई ताप दरकार पड़े कहती तापशोषी प्रतिक्रिया ला देखो एटा होची तापशोषी प्रतिक्रिया ताप दरकार पड़ुची एटा होची ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जो थे ताप निर्गत होची ला एटा गोटे एग्जांपल आम नेबा कैल्शियम ऑक्साइड रो कैल्शियम ऑक्साइड होची कली चून जोटा बजार मिले सुखा चून टा होची कैल्शियम ऑक्साइड जिते बेले चून को आनी के आमे पानी रे मिसेई दबा हेले कोन तयारी हेबो समित चून बा चून पानी या को आमे जेन जो चून पानी ताको आमे समित चून बोली भी कही था आ ता सहित सेटा ताप भी उत्पन्न करिवो केमती जानिबो गोटे पात्र रे कली चून नेबो हला कैल्शियम ऑक्साइड ता होची कली चून ताकु नेबो सेथिरे पानी मिसेई दबो हेले कोन हेबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो तयारी हला उत्पाद ता सहित तमे जदि पात्र टिकु छुइबो हेले सेटा गरम लागिबो हेले गरम काई कि लागिला तुमे तो गरम कलोनी सेटाकु सेटा आपे आपे केमती गरम हला तो रासायनिक प्रतिक्रिया हला चून आउ पानी मध्य रे एथरु ताप उत्पन्न हेबारु सेटा गरम लागिला हला तो एटा होची ताप उत्पादी आ तम बही रे भी बहुत गुडे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अछि प्राकृतिक गैस रो दहनटा ताप उत्पादी श्वसनटा भी ताप उत्पादी हला उद्भिद द्रव्य रो विघटन भी एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अटे सेई परि ताप शोषी प्रतिक्रिया रे ताप शोषित हुए गोटे एग्जांपल नेबा लेड नाइट्रेट हला लेड नाइट्रेट तार संकेत होची PbNO3 होल 2 ताकु जते बेले आमे ताप देबा बा गरम करिबा हला लेड नाइट्रेट को गोटे टेस्ट ट्यूब रे नै करी जते बेले तुमे गरम करिबो से बादामी रंगर धूम बाहरिबो हां बादामी रंगर धूम बाहरिबा तुमे लक्ष्य करिबो से बादामी रंगर धूमटा होची एटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हला परीक्षा रे आसे क्वेश्चन जे लेड नाइट्रेट को उत्तप्त कले क्यों रंगर धूम बाहर बादामी रंगर जो धूम बाहर से कौन है तो सेटा उचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एफ प्लस फोर एच टू एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया अच्छी जारक और बीजारक को उल्लेख कर रासायनिक प्रतिक्रिया जारण एक जारण विजारण प्रतिक्रिया अटे बोली तुमको बुझेबार अच्छी व्यतीत यह आउ कौन प्रतिक्रिया भी दर्शेब एनसर कौन हम तुम जारण विजारण तो पढ़ल जो प्रतिक्रिया रे ऑक्सीजन ग्रहण गोटे पदार्थ अम्लजान ग्रहण क्या जारण आदि अम्लजान हर विजारण है जगह तुम्हें केमती जारण और विजारण है एफि कौन कर एफि देख एफि ऑक्सीजन ग्रहण करा तो एफि ऑक्सीजन जेहेतु ग्रहण करा जारण प्रतिक्रिया है जारण प्रतिक्रिया देख जलअणुटा हाइड्रो जलअणुटा ऑक्सीजन हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर ये ऑक्सीजन लाभ करो फोर है एच टू ऑक्सीजन हर एच टू तो यहाँ हूँ तुम जे ऑक्सीजन लाभ कला बेले जारण ऑक्सीजन हर मानने विजारण ए जगह पे जारक कहले कौन जारक क्या कह जारक है एच टू एच टू कमी जारक है जदि जारण प्रक्रिया एफिटा एफि थ्री ओ फोर जदि जारण प्रक्रिया है साहय किए कला जारण प्रक्रिया ऑक्सीजन किए देला जल देलाई एच टू टा हम जारक है जी जारण को साय कर जारण ऑक्सीजन देव से हेब तुम जारक से जे नेला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नेला एफि नेला ना एफि है तुम विजारक अच्छा यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया भी हो पार पे कहीं विस्थापन हेब कहीं हाइड्रोजन ठारू एफिटा बेसी अधिक प्रतिक्रियाशील अटे तेणु कौन है ना एफिटा कौन कला हाइड्रोजन को विस्थापित कर से जगह निजे आसिक एफि थ्री ओफर गठन करपन प्रतिक्रिया भी पार देखा सढ़ा अवस्था कौन और यार निवारण दुईट उपाय लेख सढ़ा अवस्था यार आगु मुझे पढ़ाई देती जे जो प्रक्रिया द्वारा द्वारा तेल किंवा चर्बी जातीय खाद्यर रंग गंधरे परिवर्तन हो जाए बा तेल और चर्बी जातीय खाद्य गुड़ाक जारित तो होकर तार रंग और स्वादर परिवर्तन हुए
सेई प्रक्रिया को कहंती सढ़ा अवस्था ला आउ ए सढ़ा अवस्था रो निवारण रो दुईटी उपाय हला तुम्हें जो खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्र रे रखिबो एयर टाइट कंटेनर गुडा को आसे बाजार रे से एयर टाइट कंटेनर रे जदी तुम्हें रखिछ हले खाद्य पदार्थ अधिक दिन पर्यंत संरक्षित हेकि सुरक्षित हेकि रहिबो हला आउ गोटे हला तुम चिप्स पैकेट रे जो मु कहली चिप्स पैकेट रे चिप्स गुडी को अधिक दिन पर्यंत पैकेट मध्य रे संरक्षित रखिबा पई सेथिरे नाइट्रोजन गैस प्रतिजारक रूपे मिसा जाए तो प्रतिजारक मिसेकि भी आम सढ़ा अवस्था रक्षा करोधी पात्र रखिक भी आम सढ़ा अवस्था निवारण कर। नेक्स्ट है दुई मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर है दुई मार्क रमती क्वेश्चन आसब ना प्रथम क्वेश्चन है मैग्नीशियम पात को वायु जलाइवा पूर्व कहीं सफा करा जाए तुम्हें देख लो मुमती करी है घसिक सफा करी कहीं सफा करागला ना पे मैग्नीशियम हूँ एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु तो सेटा कौन करे ना वायु थाए वायु अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी आगरु गोटे मैग्नीशियम ऑक्साइड रो आवरण टे तैयारी हो जाए ताऊपर तो ताकू जदि न घसिकी जल जलिब ना प्रथम कौन कराए घसिकी से मैग्नीशियम आवरण टी मैग्नीशियम ऑक्साइड रो आवरण टी बाहर कर दि जाए जाटा जलिब हाला क्वेश्चन टा बोधे बुझी जाइथिबो तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा श्वासक्रिया को कहीं ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया भाव ग्रहण कराए श्वासक्रिया हूँ एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं ना आम जो खाद्य खाऊ से खाद्य परिपाक समय श्वेत सार खाद्य ग्लुकोज रे परिणत हो जाए श्वेत सार खाद्य जो आम खाइलु से हजम होकर सरलीकृत होकर ग्लुकोज रे परिणत होकर आम कोष संरक्षित अच्छी एबे कौन हम जो आम श्वासक्रिया अम्लजान नेले से अम्लजान रो काम कौन से ग्लुकोज को दहन कर जारण कर अम्लजान कौन कर जो ग्लुकोज को आम शरीर कोषर थिबा ग्लुकोज को जारित करी दहन करी अंगारकाम्ल जल सहित तापशक्ति भी उत्पन्न सॉरी तापशक्ति शक्ति उत्पन्न करे तुम लाइफ साइंस रे पढ़ी थिबो हला शक्ति उत्पन्न करे जेहेतु एठिरे शक्ति उत्पन्न होउछि तेणु एही प्रतिक्रिया को आम ताप उत्पादी श्वासक्रिया को आम ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया विवेचना करि पारिबा। नेक्स्ट पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण प्रतिक्रिया कौन एवं गोटे उदाहरण समीकरण सह लेख ला तो अवक्षेपण कहले कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे अद्रवणीय पदार्थ उत्पन्न हुए कहती अवक्षेपण ला तुम्हें गोटे वीडियो टे देखी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड प्रतिक्रिया गोटे टेस्ट ट्यूब रे सोडियम क्लोराइड द्रवण तैयारी कले गोटे टेस्ट ट्यूब रे सॉरी सोडियम सल्फेट द्रवण तैयारी कले आ गोटे टेस्ट ट्यूब आम बेरियम क्लोराइड द्रवण तैयारी कले उभय को आम कौन कले मिसेदे मिसेदे बेले देखिले धला हो गला किसी समय रखीदेला तले गोटे धला रंगर अवक्षेपटे जमा हो धला रंगर अवक्षेप हूँ बेरियम सल्फेट तैयारी है तले बसीगला तो ये जो अवक्षेप धला अवक्षेप तैयारी हबार ए प्रतिक्रिया को आम अवक्षेपण प्रतिक्रिया भी कही पारिबा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे लुहा कंटा को कॉपर सल्फेट द्रवण रे बुड़ाइले द्रवण रंग रे परिवर्तन घटे कहीं तो पिला मैंने कॉपर सल्फेट एटा भी तुम्हें देख ल जे कॉपर सल्फेट रे जेते बेले आमे लुहा कंटा को बुड़े देले लुहाटा जेहेतु कौन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु अटे कहा अपेक्षा कॉपर अपेक्षा तो लुहा कौन करिबो कॉपर को बाहर कर दबो आ से जगह निजे आसिकी एफएसओ फोर नामक एक जौगिक गठन करिबो ला सेथिपई कॉपर सल्फेट जो प्रथमे नील रंगर थिला एबे रंग परिवर्तन हो गला जेहेतु एफएसओ फोर तैयारी हे छि फेरो सल्फेट तैयारी हे छि तो एटा हे जबो हालुका सबुज रंगर एटा हे जबो हालुका सबुज रंगर तो कॉपर सल्फेट और लुहा मध्य विस्थापन प्रतिक्रिया तुम्हें जान लो विस्थापन रे कौन हुए अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक जौगिक रु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर नुआ प्रकार एक जौगिक गठन कर। नेक्स्ट है कांथ रे चून पा लगे दुई दिन पर कांथ टी उज्जवल धवल रंग से परिणत हुए एठार चून पा वायुर का संस्पर्श से आसी के पदार्थ सृष्टि कै समीकरण सह लेख
ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁନ ଆଣୁଛୁ ବଜାରରୁ କିଣିକିରି ସେ ଚୁନ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଚୁନଟା ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଟା ହଉଛି କଳି ଚୁନ ଯୋଉଟା ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକିରି ଆଣୁଛୁ ହେଲା ସେଥିରେ ଚୁନ ଆଣିକିରି ଆମେ ସେ ଶୁଖା ଚୁନକୁ ତ ଆମେ ଦଉନୁ କାନ୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶଉଛୁ ହେଲା ପାଣିରେ ମିଶେଇଲେ କଣ ତିଆରି ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଲା ଚୁନ ପାଣି ହେଲା ଯୋଉଟା ଚୁନ ପାଣି ସେଟା ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଲା ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କୁ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଦେଲେ ଏବେ କଣ ହେବ ନା ଏହା ବାୟୁରେ ଥିବା ତମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କେ ଚୁନ ପାଣି ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ତିଆରି କରିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ତିଆରି କରିବ ତା ସହିତ ଜଳ ଜଳ ତ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ ରହିଯିବ କାନ୍ଥରେ କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏଟା କାନ୍ଥରେ ରହିଗଲା ଯୋଉଟା କି କାନ୍ଥକୁ ଧଳା କରିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ କାନ୍ଥରେ ଚୁନ ପାଣି ଲଗାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କାନ୍ଥଟି ଉଜ୍ଜଳ ଧବଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏଠାରେ ଚୁନ ପାଣି ବାୟୁର କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ହେଲେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ହେଲା ଯେ ସେ ଧଳା ଦେଖାଗଲା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ କଣ ଗଠନ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଠନ ହେବାରୁ ତାହା ଧଳା ଦେଖାଗଲା ଏଟା ହଉଛି ତାର ସମୀକରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଚୁନ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ହୁଏ ହେଲା ଯୋଉଟାକି କାନ୍ଥକୁ ଧବଳ କରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢିଲେ ତାର କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ପଢା ହେଲା ସେଟା ବୁଝିଥିବ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢା ହେଇ ସରିଛି ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳାଇଲେ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ମିଳେ ତାର ସଂକେତ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଏମ୍ଜିଓ ଏମ୍ଜିଓ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେଇ ଆନ୍ସର ଅଛି ଏମ୍ଜିଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯିବା କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ ହାଇସ୍କୁଲ ତୃତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କହିଲେ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବିନାଶ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତିକି ରହେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି ରହେ ସେଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ତିନି ନମ୍ବର କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ନୁହେଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବୈଦପାଲି କେଉଁଠି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଏ ରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ତମର ଏଟା ହଉଛି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଟା ବି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ହେଲା ତମେ କାଠ ଜଳେଇଲ କାଠ ଜଳେଇଲେ କାଠରେ କୋଇଲାରେ କଣ ଅଛି କାର୍ବନ ଅଛି ନା ତ ତାକୁ ଜଳେଇଲେ ସେଟା ଦହନ ହେଇକିରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ତାପ ବି ତ ଦେବ ହେଲା ତ ଏଟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଅଟେ ଏଟା ବି ତମର ଯୋଉ ଏବେ ପଢେଇଲି ମୁଁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ତ ସେଟା ବି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଅଟେ ତାପରେ ତମର ମିଥେନ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ତାର ଦହନ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ତେଣୁ ସେଟା ବି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଏଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେବ ହେଲେ ବିଘଟନ ହେବ ତ ଏଟା ତାପ ଶୋଷୀ ଅଟେ ହେଲା ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ZNO ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ହେଲା ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ୍ ରେ କେଉଁଠି ବିଜାରିତ ହଉଛି CO ଅପସନ୍ ଡି ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ଡି CO ଅପସନ୍ ଡି ଜିଙ୍କ ଅପସନ୍ ଡି CO ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ଏ CO ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ସି
ऑप्शन सी राइट आंसर हां पई देखो जेडएन कोन छि ऑक्सीजन हरई किरी जेडएन हई छि जे ऑक्सीजन हरईला से बिजारित हब ना तो जेडएन ऑक्सीजन हरई छि तनु जेडएन बिजारित हला ला से ऑक्सीजन हरई छि तो से बिजारित हबो ला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर रे निर्मित वस्तु मानक उपरे जलीय बाष्प ओ अम्ल आदि रो आस्तरण केउ रंग सृष्टि करे कलपुर गास स्कूल बादामी कला बादामी कला कला रंग ऑप्शन बी कला रंग हला तमरा सिल्वर रूपा मु बुझैली ना रूपा रो पाउंडी पिंध किछि दिन पर सेटा कला हे जे हला कला रंग रे बो सिल्वर उपरे कला रंग आस्तरण हेबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन हला 2k 2 प्लस 2h2o हला गठन हला 2koh प्लस xh2 एहा गोटे समतुल्य समीकरण एथिरे x रो मूल्य केते हेबो देखो एपटे पोटासियम गोचर बी 2 देखो देखो एथि पोटासियम बी 2 नहीं नहीं ऑप्शन बी हेबो नी भल से देखो समतुल्य करबा पई चेष्टा करो त एतर बाहरिबो x रो मूल्य देखो एपटे तमार पोटासियम दुईटा अछि एपटे पोटासियम दुईटा अछि एपटे देखो हाइड्रोजन चारोटी अछि एपटे भी हाइड्रोजन केतोटी अछि चारोटी अछि एथि एथि दुईटी एथि दुईटी हाइड्रोजन तमार ऑक्सीजन दुईटी अछि एपटे भी दुईटी अछि समतुल्य अछि समीकरण हेले एतर मूल्य केते हेबो 1 हेबो केते हेबो 1 हेबो मूल्य नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कला धला फोटो उठाइबा कार्य रे केऊ जौगिक टी व्यवहृत हुए सेकंड वाइज फोटो बा कला धला फोटो उठाइबा कार्य रे केऊ जौगिक टी व्यवहृत हुए पढैला बेले में कहितली ना ऑप्शन बी ऑप्शन सने ऑप्शन ने ए सिल्वर नाइट्रेट हाय सिल्वर नाइट्रेट नु है विघटन प्रतिक्रिया मन पक सूर्यालोक द्वारा विघटित तो हुए सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड AgCl हला AgCl को जते बेले तुम्हें सूर्यालोक रे रखिबो ले सेतरु क्लोरीन गैस बाहरी सिल्वरटा धूसर सिल्वर तुम्हारा गठित हेबो एहा को तुम्हारा व्यवहार करा जाए तो कला धला फोटो उठाइबा कार्य रे हला मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट रो विघटन रो उत्पन्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो रंग किपरी होई थाए सर्गीपाली हाई स्कूल बादामी लेड नाइट बादामी रंग वेरी गुड एटा बा बादामी रंग हला बादामी रंग रो धूम उत्सर्जन हुए नेक्स्ट है ला नो नंबर पॉली चून रो रासायनिक संकेत कोन ऑप्शन ए ओ ऑप्शन ए ऑप्शन ए सी ए ऑप्शन ए सी ए ओ ए सी ए ओ हां ठीक अछि ऑप्शन ए हबो कैल्शियम ऑक्साइड पॉलीचून हला नेक्स्ट उद्भिद जात द्रव्य रो खत रे परिणत हेबा की प्रकार रो प्रतिक्रिया संश्लेषण ओ ताप उत्पादी विघटन ओ ताप शोषी संश्लेषण ओ ताप शोषी ना विघटन ओ ताप उत्पादी ऑप्शन ए संश्लेषण ताप उत्पादी ऑप्शन ए हाय भल से चिंता करो उद्भिद द्रव्य रो विघटन हुए सेटा कोना ऑप्शन डी विघटन ताप उत्पादी विघटन विघटन ताप उत्पादी उद्भिद द्रव्य रो विघटन होई सेतरु ताप निर्गत हुए तो सेटा हबो विघटन ओ ताप उत्पादी प्रतिक्रिया नेक्स्ट होला जेउ पदार्थ जारण को विरोध करे ताकु कोण कहंती किस पैकेट रे बिजारक तक ना 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 प्रतिजारक बिजारक बिजारक हाय बिजारक रंग अछि प्रतिजारक जेउ पद प्रतिजारक प्रतिजारक वेरी गुड प्रतिजारक कहा जाए हला प्रतिजारक जारण को जे विरोध करे प्रतिरोध करे सेटा हला प्रतिजारक हला नेक्स्ट क्वेश्चन चिप्स को मध्यरे नाइट्रोजन 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 मध्यरे चिप्स को मध्यरे नाइट्रोजन गैस को प्रतिजारक रूपे निया जाय थे हला जहा फल रे चिप्स गुडी को बहुत दिन पर्यंत संरक्षित रही पारिबो त एहार आंसर हेबो नाइट्रोजन नेक्स्ट हला जल रो विद्युत विश्लेषण कले
हाइड्रोजन ओ ऑक्सीजन के अनुपात 1 2 इज टू 1 अनुपात 2 अनुपात 1 2 इज टू 1 अनुपात रे संग्रहित हाइड्रोजन दुई भाग ऑक्सीजन एक भाग एटा क्वेश्चन को भलो भाव रे देखिबो जदी क्वेश्चन रे ऑक्सीजन प्रथमे आ हाइड्रोजन परे देखिबो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिबो बले 1 इज टू 2 लिखिबो आ जदी हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिबो हले 2 इज टू 1 लिखिबो ल तो पिला माने मु भाबी भाबुची आज जहां भी पढ़ाला बुझीथिबो आ ए गृह कार्य गुड़ी को करिबो आ निज साइंस टीचर मानन को देखिबो तो बहुत धन्यवाद।